नमस्कार साथियों साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे साप्ताहिक राशिफल में 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 12 राशियों का सटीक राशिफल क्या है, क्या उन्हें सावधानी रखनी है, कौन सा उपाय करना है जिससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकें, क्या क्या जीवन में उनके घटने वाला है, क्या परेशानी आने वाली है और उन परेशानियों से उन मुसीबतों से कैसे छुटकारा पा सकें, 12 राशियों का सटीक राशिफल आज इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में इस वीडियो में आपको बताते हैं। साथियों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनंती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आज 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में 12 राशियों के सितारे क्या कहते हैं, उनमें से प्रथम जो राशि है मेष राशि, तो मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह ध्यान रखें। मेष राशि के जातक चूंकि स्वामी मंगल है और मंगल जीवन में मंगल ही मंगल आपके करे, इसलिए 29 जनवरी से ही आप यानी आरंभ से ही सप्ताह के आपको प्रत्येक कार्य प्रत्येक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का या आपके जो सीनियर हैं उनका सहयोग और सपोर्ट आपके साथ जबरदस्त रहेगा इस सप्ताह। नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी और आपका सहयोग आपके जूनियर भी करेंगे और सीनियर भी करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है यह सप्ताह आपके लिए अतिशय शुभ है। नवीन कार्य यदि आरंभ करना चाहते हैं मेष राशि के जातक, वो स्त्री हो या पुरुष, जरूर जो है नवीन कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। किसी प्रकार का सम्मान उपहार गिफ्ट आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा जो मन को प्रसन्नता और खुशी देगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, भाग दौड़ की वजह से थोड़ी सी थकान या डिप्रेशन जैसा हो सकता है, वो भी कुछ अंतराल के लिए इस सप्ताह देखने को मिलेगा। मारुति का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। चलिए दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गुड लक है, यह सप्ताह जो है उनके लिए सुख संपत्ति और यश यानी कि प्रसिद्धि तीनों को लेकर आया है। सुख संतान का हो, दाम्पत्य जीवन का हो या किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना जो आपके मन को प्रसन्न कर दे, ऐसा कुछ इस सप्ताह आपके साथ होगा। संपत्ति से संबंधित जो विवाद हैं वो कोर्ट में हो या मौखिक रूप से परिवार में चले आ रहे हों तो वो समापन भी इस सप्ताह आपके लिए बने हुए हैं। ऐसे योग आपके द्वारा किए गए कार्य की लोग प्रशंसा करेंगे, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। ऐसे में आपका अगर तबादला भी इस सप्ताह तबादले के यानी कि आपके दूसरी जगह स्थानांतरण के भी योग बने हुए हैं अगर आप जॉब पे हैं, लेकिन आपको जो स्थानांतरण है वो मनचाहा तबादला प्राप्त होगा, वही जो है अधूरे कार्य जो हैं आपके इस सप्ताह वो पूर्ण होंगे। शासन सत्ता का भी आपको लाभ प्राप्त होगा, शासन में कोई फाइल है जो बहुत दिनों से पड़ी हुई है वो भी आपके कार्य अधूरे जो हैं या अड़चन में है वो इस सप्ताह पूर्ण होंगे। चलिए तीसरी राशि की बात कर लें, मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह थोड़े से सावधान रहें, किसी भी कार्य को करने से पहले जल्दबाजी और हड़बड़ाहट बिल्कुल मत करें, नहीं तो बने बनाए कार्य आप इस सप्ताह बिगाड़ लेंगे। जल्दबाजी से इस सप्ताह आपको बचना होगा। बॉस के या सीनियर के या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के गुस्से के शिकार आप इस सप्ताह हो सकते हैं, आपको डांट खानी पड़ सकती है किसी बात को लेकर, इसलिए छोटी मोटी बातों को पकड़ कर मत बैठें और उसको तूल मत दें इस सप्ताह, वरना मान सम्मान पे आपके चोट पहुंच सकती है।
शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है सेहत को लेकर, इसलिए वाहन घोड़ा गाड़ी बहुत आराम से चलाएं। एक बात का ध्यान रखें, किसी षड्यंत्र के शिकार मत हो, बदनामी के योग भी आपके लिए इस सप्ताह बने हुए हैं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश का पूजन करें, लाभ प्राप्त होगा। चलिए चौथी जो राशि है उसकी बात कर लें साथियों। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का देवता है। ज्यादा सोचना विचारना बंद कर दें, चिड़चिड़ापन समाप्त कर लें अपना, अपने मन को समझाएं, जो होना था हो गया, अब आगे की सुध लें, तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। खर्चों की अधिकता रहेगी, आमदनी कम हो सकती है इस सप्ताह, लेकिन मन आप अपना स्थिर रखें और शांत रखें। नौकरी के योग हैं आपके, कहीं ज्वाइनिंग है आपकी या कोई लेटर ऐसा आएगा, आपके रोजगार के योग तो बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस यह है, आपको इस सप्ताह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है जिसकी वजह से शारीरिक कष्ट या शारीरिक थकान आपको महसूस होगी। महा जो मंत्र है शिव का, ओम नमः शिवाय, उसको उल्टा करके बोलें, यानी कि ओम शिवाय नमः बोलना शुरू करें, आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए सिंह राशि की बात कर लें, तो सिंह राशि वालों के लिए 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक का जो समय है वो परेशानी और चिंताओं में गुजरेगा। अचानक जो है काम का आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, सेहत का भी बहुत विशेष ध्यान रखें और शंका दिमाग में मत पालें। आपकी जो संशय की प्रवृत्ति है या शंका से हर व्यक्ति को देखना, वो इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा बल्कि हानिकारक हो सकता है। हाँ, भूमि भवन से जो जुड़े हुए कार्य हैं वो आपके इस सप्ताह पूर्ण होंगे। सूर्यदेव को रविवार के दिन अर्घ दें, यानी कि जल अर्पण करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस सप्ताह बना रहेगा। चलिए छठवीं राशि कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है। कामयाबी इस सप्ताह आपको प्राप्त होगी, बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होगी, किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य या अनुष्ठान में आपको हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा और संतान की थोड़ी सी आपको चिंता बनी रह सकती है। बिजनेस कोई लंबी डील हो सकती है आपकी इस सप्ताह, इस बात को विशेष ध्यान रखें, लेकिन डील करते समय अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या किसी से भी सलाह लेकर ही कोई कार्य करें तो सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय होगा। चलिए सातवीं जो राशि है तुल राशि, तुला राशि की बात कर लें। तुला राशि के लोगों के लिए बहुत अतिशय शुभ है यह सप्ताह। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी, लाभ की स्थितियां बनेंगी आपके लिए, आर्थिक लाभ भी होगा, आय में आपके वृद्धि होगी और घरेलू सपोर्ट यानी कि घर के लोगों का सहयोग आपके साथ इस सप्ताह बना रहेगा और जिसमें आपको सफलताएं भी बहुत बड़ी प्राप्त होंगी इस सप्ताह। आपकी जो कुल देवी है उसका पूजन करें या किसी भी देवी का आप पूजन करें, निश्चित रूप से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से इस सप्ताह बचे रहेंगे। आठवीं राशि वृश्चिक राशि की बात कर लें। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आलस को छोड़ दें, इस सप्ताह अगर आप आलस करेंगे तो आपके कार्य पूर्ण होने में संदेह होगा। अभिमान को बिल्कुल त्याग दें, आलस और अभिमान को त्यागेंगे उससे बचे रहेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए सुखमय बीतने वाला है, नहीं तो कष्टकारी हो सकता है। वहीं कुछ खरीदने या कुछ बेचने से पहले भी सलाह करके ही कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। मांगलिक कार्य धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा, जिम्मेदारियां आप पर बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में जो है वो मतभेद हैं, उनमें सुधार होने की स्थिति होगी, कलेश मिटेगा और जीवन सुखमय बनेगा। चलिए और उपाय में बता दें आपको, मारुति का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होंगी। धनु राशि की बात कर लें। नवी राशि है, धनु राशि के जातकों के लिए तो यह कहना है, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। वैसे तो देखा जाए समय आपके लिए ना तो साढ़े साथी से भरा है
और ना ही क्या नाम से कोई ऐसा बहुत बड़ा ग्रहों का शुभ प्रभाव है, लेकिन ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो इस सप्ताह यानी कि 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हिम्मत से कोई कार्य करिए, हिम्मत को हारिए नहीं, राम को विसारिए नहीं, और मन इस सप्ताह आपका खिन्न रहेगा, कुछ डिप्रेशन भी बना रहेगा, प्रिय लोगों से बातचीत करने की भी आपकी इच्छा नहीं होगी। गलतियां जो हैं उनमें आप सुधार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, रिश्ते आपके बने रहेंगे नहीं तो बिगड़ सकते हैं। सेहत और खान पान का विशेष ध्यान रखें धनुराश के जातक। गुरु का विष्णु का पूजन करें और गाय को जरूर कुछ ना कुछ खाने को दें, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। चलिए दसवीं राशि मकर राशि की बात कर लें। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत सफलता प्राप्त देगा, हर चीज़ में कामयाबी देगा, वो शिक्षण का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, नौकरी का हो, सफलताओं के अंबार लगेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। नौकरी पेशा में भी मनोकामना जो आपकी है वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने का यह सप्ताह है। सोचे समझे कार्य, पुराने जो कार्य अड़चन में हैं वो भी सब पूर्ण होंगे। शनि देव का पूजन करें, ओम सम शनिश्चय नमः इस मंत्र का जाप करें और काली चींटियों को गेहूं के आटे में शक्कर डालकर खिलाएं, निश्चित रूप से इस सप्ताह आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए ग्यारहवीं राशि जिसका स्वामी शुक्र स्वामी शनि ही है कुंभ राशि, उसकी बात कर लें। कुंभ राशि के जातकों इस सप्ताह थोड़ा सा सावधान रहें, शॉर्टकट मत मारें। शॉर्टकट मारेंगे तो इतना लंबा रास्ते में नप जाएंगे कि भटक जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट में इस सप्ताह कोई कार्य ना करें। शॉर्टकट आपके लिए इस सप्ताह बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जुआ सट्टा लाठी इनसे बहुत दूर रहें, शर्तों से बहुत दूर रहें और मानसिक परेशानी इस सप्ताह आपकी बढ़ सकती है। शनिदेव का पूजन करें और मन को शांत रखें। एक कटोरी में तेल लेकर अपना चेहरा देखकर पीपल के पेड़ के नीचे या जोशी को दान करें, लाभ होगा। चलिए मीन राशि की बात कर लें तो मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है चूंकि गुरु स्वामी है आपका तो जूनियर का सपोर्ट रहेगा आपके साथ और जूनियर के जो आपसे छोटे लोग हैं वो आपका बड़ा अच्छा सपोर्ट करेंगे। हालांकि बड़े आपका विरोध कर सकते हैं किसी बात को लेके, नाराजगी लोगों की दूर आप करने में इस सप्ताह सक्षम हो सकेंगे। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके सोचे समझे जो कार्य हैं जो भी प्लान्स हैं वो इस सप्ताह आपके पूर्ण होंगे। यह रहा 12 राशियों का राशिफल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, बताए गए उपाय करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।